राधे राधे फ्रेंड। और जन्माष्टमी में हम जो भी खरीदे हैं, जो भी लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग किए हैं, वो आप लोग को वीडियो में दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, आप सभी को राधे राधे फ्रेंड। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम, आज है जन्माष्टमी और आप सभी को ढेर सारी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को फ्रेंड। और तो देखिए, जन्माष्टमी में हम ये सब लड्डू गोपाल के लिए ख़रीदे हैं। और ये देखिए, ये जो लाइट है, तो ये भी जलाएंगे इसको। ये कागज़ है ना, इसको हम हटा देते हैं, इस तरह से हटाएंगे ना तो ये जलेगा। और ये सजाने के लिए लिए थे, तो देखिए इस तरह से इसमें लाइट जलता है। ये ऑन ऑफ करने के लिए है, ऑफ हो जाता है और इधर से ऑन हो जाता है, तो इस तरह से लाइट जलता है। तो इसको भी देखिए, दोनों है उसी तरह, दोनों को जलाया जाता है। तो इस तरह से दोनों जला लेते हैं। छोटे छोटे से इसमें कागज़ लगा था, इसको हटा दिए। और देखिए, इससे आसन लिए थे, तो लड्डू गोपाल के लिए लिए हैं। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है सिंहासन। और ये देखिए, इस तरह से है। उसके बाद जो है मोरपंख, और आज के दिन मोरपंख हमें ज़रूर लाने चाहिए। और काना जी को अर्पित करना चाहिए उनके, क्योंकि काना जी को बहुत प्रिय है, वो अपने मुकुट में हमेशा धारण करके रहते हैं मोरपंख। उसके बाद ये मैंने हेयर लिया था, तो हमारे पास तो हेयर है ही, तो हम फिर भी बाल ले लिए हैं कि बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। ये जो बाल है ना, घुंघरेला बाल था, तो इस टाइप का है देखिए। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, कितने सुंदर से लाइट शाइनिंग हेयर था ये, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम ले लिए। हमारे पास दो ठो हेयर है ही कान्हा जी का। और ये अष्टगंध चंदन है देखिए, ये भी ले लिए। ये तो ये भी थोड़ा सा था ही। और मधु फ्रेंड, मधु आज के दिन ज़रूर ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि मधु लाने से घर में हमेशा मिठास बनी रहती है, इसीलिए मधु भी आज के दिन ज़रूर लाएं। और ये बंसी, तो बंसी भी लकड़ी का बंसी है, तो लकड़ी का जो बंसी होता है फ्रेंड, ये हमें ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। और अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चे बजा सकते हैं, और नहीं तो बस कान्हा जी के पास ये हमेशा रखेंगे। और लकड़ी का बंसी, बांस का जो है वो ख़रीदना ही चाहिए आज के दिन। बंसी तो लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है। और हम फ्रेंड दो ठो ड्रेस लिए थे, तो ये देखिए, ये पिंक कलर का है और एक ठो येल्लो कलर का लिए हैं। तो येल्लो कलर का जो है मिक्स कलर था इसमें, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये दो ठो हम लिए हैं। और ये है चंदन दुपत्ती, तो अभी मार्केट में हमको जो मिला वो हम ले लिए हैं, तो ये लिए अभी हम। ऐसे पैकेट का भी अगरबत्ती लिए हैं, तो देखिए ये भी लिए हैं। बाकी ये देखिए, ये है फिर इत्र, पूजा का जो सामग्री है, पूजा में हमें इत्र तो रखनी चाहिए, क्योंकि इत्र समर्पित भी करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, और इधर फल फूल है, तो फल में ये रखे हुए हैं, बाकी हम ड्राई फ्रूट लाए हैं, तो ये सब घर में बनाएंगे। इधर गुड़ है, तो ये धनिया पंजीरी बनाएंगे, तो गुड़ से मेवे का जो पाक होता है वो बनाएंगे। और धनिया का पंजीरी आज के दिन ज़रूर बनानी चाहिए, तो वो बनाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये है वीडियो जन्माष्टमी का, जो हम सामग्री खरीदे हैं, तो ये जो सामान है कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।